गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुनाफा सूत्र डॉट कॉम हिंदी न्यूज मार्केट हेडलाइंस। रोज सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मैं आप लोगों के लिए निफ्टी का व्यू, टॉप हेडलाइंस और ब्रोकर रिकमेंडेशंस लेके आता हूँ। आज के लिए देख लेते हैं निफ्टी का व्यू क्या है। आज है 13 नवंबर 2020, कल दीपावली है। कल शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा मार्केट। आज ऑफिशियली इस हफ्ते का आखिरी दिन है। निफ्टी में 12,750 12,800 के आसपास रेजिस्टेंस है और 12,350 12,400 पे एक सपोर्ट है। कल निर्मला जी फिर से एक स्टिमुलस पैकेज लेके आई हैं कॉर्पोरेट्स के लिए और शाम होते होते निफ्टी में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है। अच्छा, ये ट्रेंड भी पिछले कई बार से देखने को मिल रहा है, 2-3 बार से। जब पहली बार ये निर्मला जी पैकेज लेके आई थी टैक्स कट वाला, तब भी हमने देखा था कि 10:30-11 बजे अनाउंसमेंट हुई थी, उससे पहले शेयर मार्केट पहले ही सुबह 9:15 बजे से भागना शुरू हो गया था ऊपर। बहुत तेजी से भागा था, शुरू में ही भाग रहा था और फिर न्यूज आ गई और उसके बाद फिर एक और तेजी आके फिर गिरावट हुई थी। अब कल भी 2-4 दिन से भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। 2-4 दिन से शेयर मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर दौड़ा है। चार्ट देखेंगे आप तो देखेंगे कि 1,200 समथिंग पॉइंट्स की रिकवरी स्ट्रेट लाइन में ऊपर आई है और अब फिर से एक पैकेज का डिक्लेरेशन हुआ है और कल फिर गिरावट हुई है। ये संकेत सब ठीक नहीं है चीजों के। हेडलाइंस भी देख लेते हैं, हेडलाइंस क्या हैं। अरविंदो फार्मा ने अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छा खासा बढ़ा है इनका, 4% शेयर में तेजी आई है। कैडिला अपनी फेज 2 की ट्रायल्स खत्म कर चुके हैं कोरोना वैक्सीन की और फेज 3 में जाने वाले हैं। जैसा सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगले साल की शुरुआत होते होते कोरोना की वैक्सीन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अपनी इंडियन कंपनियां हैं कैडिला और ये कई डॉक्टर रेड्डी, ये सब यहाँ इंडिया में मार्केटिंग करेंगे इसकी। इन्हीं कंपनीज के ऊपर बेट लगाइए और ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सर्वे हुआ है, RAI में सर्वे करा है, इन्होंने कहा है कि रिटेल मार्केट में, रिटेल सेगमेंट में रिकवरी के फिर से संकेत दिख रहे हैं, FMCG सेक्टर में खासतौर पर। और मार्केट्स भी, जो ऑन ग्राउंड मार्केट्स हैं, वो भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। भीड़े काफी हैं, कोरोना के नंबर्स बहुत तेजी से फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन मार्केट्स में भीड़े कम नहीं हो रही हैं। ब्रोकर रिकमेंडेशन क्या है आज के लिए? जेके लक्ष्मी सीमेंट पे ICICI डायरेक्ट ने ब्रोकर रिकमेंडेशन दी है। आपको बता दें इस पे, इस पूरे हफ्ते इस शेयर पे, जेके लक्ष्मी सीमेंट पे, किसी ना किसी ब्रोकरेज हाउस ने ब्रोकर रिकमेंडेशन जरूर दिए, बाय कॉल दिया है। पहले दौलत कैपिटल ने दिया था, फिर HDFC सिक्योरिटीज ने दिया, अब ICICI डायरेक्ट ने दिया है। तीनों के टारगेट अलग अलग हैं, किसी का 390 समथिंग का टारगेट है, किसी का 400 प्लस का टारगेट है। ICICI का डायरेक्ट टारगेट थोड़ा छोटा है, ये 335-350 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन बाई कॉल सभी की है, बाई रिकमेंडेशन जितने ब्रोकर हाउसेज हैं। आप इस वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे नीचे इंट्राडे टिप्स के, उसको क्लिक करिए। मुनाफासूत्र.com पे इंट्राडे टिप्स आज के लिए अपडेट कर चुके हैं, 85-90% एक्यूरेट होती है ये टिप्स, और उससे ज्यादा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन चाहिए तो आप हमारी सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा आपको मुनाफासूत्र.com पे। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है किसी शेयर को लेके, टारगेट क्या रखें, स्टॉप लॉस क्या रखें, खरीदे बेचे क्या करें, तो मुनाफासूत्र.com पे जाइए, चैट का बटन दबाइए और अपना क्वेश्चन वहां छोड़ दीजिए। तो चलिए आज के न्यूज सेशन यही खत्म करते हैं और आपसे मंडे को मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।